नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले हम 31 तारीख की ग्रह स्थिति जानते हैं। 31 तारीख को राहु मिथुन राशि में, अभी भी मंगल कन्या राशि के गोचर में ही चल रहे हैं और तुला राशि में अकेले सूर्य रह गए हैं। शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा भी वहां पे इसमें मौजूद है वृश्चिक राशि में। धनु में शनि और केतु का गोचर चल रहा है। राशि पर शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि की स्थिति थोड़ी सी विपरीत चल रही है, थोड़ा अभी पार करने में थोड़ा सतर्कता बरते, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित दिख रहा है, प्रेम की स्थिति जो है वो थोड़ी सी बेटर हुई है, खराब नहीं, थोड़ी बेटर हुई है और बाकी चीजें आपकी ठीक चल रही है। किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा सतर्कता जरूर बरते। वृषभ राशि। वृषभ राशि की स्थिति इस समय बड़ी अच्छी है। नौ प्रेम का आगमन, व्यवसायिक सफलता, शारीरिक स्थिति अच्छी, कुल मिलाकर के हर दृष्टिकोण से आपका समय पहले से सुधर रहा है। मिथुन राशि। मिथुन राशि इस समय आप सब पे भारी है। शत्रुहंता योग का निर्माण, विपरीत परिस्थितियों में अपने कार्य को कर ले जाने की शक्ति, प्रेम प्रसंग थोड़ा मध्यम चल रहा है, स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम चल रहा है, बाकी हर दृष्टिकोण से अच्छा समय कहा जाएगा। कर्क राशि। कई तरह की बातें इस समय मन में आपके चल रही, लेकिन ये सारी तरह की बातें अच्छे संकेत हैं। कई चीजें शुरुआत कर सकते हैं, कई तरह की स्टडीज आपके दिमाग में आएंगी, ये सब चीजें प्रेम के मामले में थोड़ा सा ना ऑप्शंस पे विचार करेंगे, ये थोड़ा सा नरम गरम हो सकता है, बाकी हर दृष्टिकोण से ठीक है। चाहे वो व्यवसायिक मामला हो, चाहे किसी भी तरह की कोई मामला हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सिंह राशि। सिंह राशि की स्थिति ठीक है, बट घरेलू जीवन इस समय आपका कई तरह के दौर से गुजर रहा है, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अभी कंफ्यूज रहेंगे आप कुछ भौतिक सुख संपदा की खरीदारी को लेकर के, और आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर दृष्टिकोण से ठीक चलेंगे, इस तरह की कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। कन्या राशि। कन्या राशि की जो एक चिड़चिड़ापन और परेशानी वाली जो चीजें हैं ना, देखिए उसके पीछे कारण एक और है, संवेदनशील हो चुके हैं, और संवेदनशील तो कन्या राशि के लोग होते ही हैं, थोड़ी संवेदनशीलता आपकी बढ़ गई है, ठीक है ना। और एग्रेशन, गुस्सा, इस तरीके की चीजें जब तक मंगल है ये रहेगा, बाकी चंद्रमा की स्थिति जैसे जैसे जाएगी, जहां जहां जाएगी उस आधार पर चीजें चलती चली जाएंगी। इस समय संतोष रहेगा आपको। संतोष क्या रहेगा, क्योंकि कार्य कर लेंगे, जो आपने सोचा है वो हो जाएगा, बाकी आपकी शारीरिक स्थिति भी ठीक है, प्रेम की स्थिति भी ठीक है और रोजी रोजगार में भी तरक्की कर रहे हैं। तुला राशि। धन कई तरह से आ रहे हैं, कुटुंबों में वृद्धि हो रही है, मन ठीक ठाक है, बस थोड़ा सा बॉडी की टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा, थोड़ी ऊर्जा घटेगी बढ़ेगी। वृश्चिक राशि। नायक नायिका की भात चमकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, कई तरह के ऑप्शन, कई तरह की खुशियां, बड़ी अच्छी स्थिति है, रोजगार में भी तरक्की कर रहे हैं, प्रेम के नए अवसर मिल रहे हैं, शादी ब्याह तय हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ अच्छा चल रहा है, तो कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति कही जाएगी। धनुराशि। थोड़ा सा बच के पार करने की आवश्यकता है। आपके द्वादश भाव में इस समय ग्रहों का जमावड़ा लगा हुआ है, जो हर दृष्टिकोण से थोड़ा लॉस कर रहे हैं, थोड़ा लूज कर रहे हैं, खराश हो रहा है, वो चाहे रुपए पैसे का हो, चाहे शारीरिक स्थिति का हो, चाहे बौद्धिक हो, तो थोड़ा सा अभी एकदम से बच के पार करना चाहिए। जब बाहर तूफान मचा रहता है ना, तो आदमी को हाथ पैर सिकुड़ करके बैठना चाहिए ताकि झटका ना लगे। आपका दिन आने वाला है, बिल्कुल परेशान मत होइए। रोजी रोजगार मध्यम है, शारीरिक स्थिति मध्यम है, प्रेम की स्थिति मध्यम है। मकर राशि। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, रुका हुआ धन वापस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, शुभ समाचार की प्राप्ति, रोजी रोजगार में तरक्की, प्रेम में बढ़ोतरी, शारीरिक स्थिति मध्यम। कुंभ राशि।
शासन सत्ता पक्ष का सहयोग, प्रमोशन के चांसेस, कोर्ट कचहरी में विजय, अच्छी स्थिति है। शारीरिक स्थिति भी ठीक है और प्रेम की स्थिति थोड़ी नरम गरम है। मीन राशि, मीन राशि भाग्यवश कोई काम बनने वाला है, कुछ अच्छा अध्याय आपके जीवन में शुरू होने वाला है। प्रेम ठीक ठाक है, व्यवसायिक स्थिति सुधर रही है और शारीरिक स्थिति भी ठीक ठाक है। नमस्कार।